अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार टेक्नोलॉजी 5G। लास्ट वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज। सी इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच फीचर इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन, मॉडर्न फ्लो एंड डाटा स्ट्रक्चर एंड रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स। सी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके फीचर इकोनॉमी है। ये मॉडर्न फ्लो चार्ट और डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करती है और रिच ऑपरेटर सेट यूज़ करती है। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हैश इंक्लूड। किसी भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट लाइन जो से होती है वो हैश इंक्लूड से स्टार्ट होती है। प्री प्रोसेसर कमांड आर आइडेंटिफाइड बाय हैश एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन। प्री प्रोसेसर ये कमांड होती है जो लाइन के स्टार्ट में यूज़ किया जाता है। द हैश इंक्लूड टेल द प्रोसेसर टू ओपन द फाइल एंड रीड इट इन टू द प्रोग्राम टू बी कंपाइल विद द रिमाइंडर ऑफ द प्रोग्राम। ये कमांड प्रोसेसर को बताती है कि आपने ये स्पेसिफिक फाइल ओपन करनी है जिसको प्रोग्रामर के साथ आपने कंपाइल करना है। हैश इंक्लूड फाइल दो तरह की होती है। हैश इंक्लूड यूज इनवर्टेड कॉमा। व्हेन वी यूज डबल कोटेश द प्री प्रोसेसर एक्सेस द करंट डायरेक्टरी इन विच सोर्स हेडर फाइल इज लोकेटेड। ये देखिए, जैसे कि ये बताया गया हैश इंक्लूड डबल कोमा के अंदर यूजर डिफाइंड फाइल। दिस टाइप इज मेनली यूज टू एक्सेस एनी हेडर फाइल ऑफ द यूजर प्रोग्राम और यूजर डिफाइंड फाइल। ये हैश इंक्लूड फाइल में जब डबल इन्वर्टेड कोमा यूज़ करते हैं तो हम यूज़र डिफाइंड कोई फाइल यूज़ करते हैं। यानी अगर आपने अपने से कोई फाइल कंट्रोलर की स्टैटिक फाइल बनाई हुई है तो उसको कंपाइलर को बताने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फाइल होती है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, इंक्लूडिंग यूजिंग एंगुलर ब्रैकेट। वाइल रिपोर्टिंग फाइल यूज एंगुलर ब्रैकेट द प्री प्रोसेसर यूज़ ए प्री डिटरमाइंड डायरेक्टरी पार टू एक्सेस द फाइल। इट इज़ मेनली यूज टू एक्सेस सिस्टम हेडर फाइल लोकेटेड इन द स्टैंडर्ड सिस्टम डायरेक्टरी। जब ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो हेडर फाइल यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड के साथ, तो ये एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल होती है जो कंपाइलर के साथ आती है। इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। ये एक इसकी एक कंपाइलर की डायरेक्टरी के अंदर होती है और ये जब ये कंपाइल करेंगे ये कंपाइलर इसको हमारे प्रोग्राम के साथ कंपाइल करेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। हेडर फाइल, ये कुछ कॉमनली यूज होने वाली हेडर फाइल है। ये आप देख रहे हैं, हेडर फाइल इज़ अ फाइल विच एक्सटेंशन एच। हेडर फाइल की जो फाइल होती है इसकी एक्सटेंशन एच होती है। विच कंटेन द सी फंक्शन डिक्लेरेशन एंड अ माइक्रो डिफाइन टू स्टैंडर्ड बिटवीन सर्वर सोर्स फाइल। ये हेडर फाइल के अंदर कुछ सी की एक्सटेंशन होती हैं और कंट्रोलर के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि कंपाइलर कंपाइल करते वक्त यूज़ करता है। ज़्यादातर हम लोग स्टूडियो एच यूज़ करते हैं। कुछ मैथ की है, स्ट्रिंग है, जनरेटर है और ये बहुत सी हैं जो हम बहुत कम ही यूज़ होने में आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास वाइड। वाइड इज़ ए कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। वाइड मीन नोथिंग। वाइड एक कीवर्ड होता है जिसका मतलब होता है सी के अंदर कुछ भी नहीं है। वेन एवर वी यूज़ वाइड एज ए फंक्शन रिटर्न टाइप देन द फंक्शन रिटर्न नोथिंग। जब हम वाइड को फंक्शन रिटर्न के तौर पर यूज़ करते हैं तो ये नोथिंग रिटर्न, जैसे कि ये वाले इस एग्जाम्पल में बताया गया वाइड मेन वाइड, ये इससे हमें कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। हेयर मेन फंक्शन नो रिटर्न एनी वैल्यू।
जब हम ये वाला वाइट यूज़ करेंगे मेन के साथ, तो ये कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा। इन प्लेस ऑफ वाइट वी कैन यूज़ इंट रिटर्न टाइप ऑफ मेन। जब हम ये इंट का डाटा टाइप यूज़ करेंगे जैसे कि ये किया हुआ है इंट में, तो अब ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न करेगा जिसकी जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। मेन फंक्शन एट टाइम मेन रिटर्न इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। मेन फंक्शन, मेन इज़ ए नेम ऑफ फंक्शन विच इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन इन सी लाइब्रेरी। मेन इज़ ए नेम ऑफ द फंक्शन विच इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन इन सी लाइब्रेरी। सी लाइब्रेरी के अंदर मेन जो आता है प्री डिफाइंड होता है, इसको आप मेन वर्ड को कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, ये इसके लिए स्पेसिफिक है। कोई भी सी प्रोग्राम होता है वो मेन से स्टार्ट होता है। मेन इज़ दी एंट्री पॉइंट ऑफ एनी सी प्रोग्राम। जो मेन होता है ये सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। इट इज़ द पॉइंट एट विच एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज स्टार्टेड। व्हेन ए सी प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूशन कंट्रोल गोज डायरेक्टली टू द मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम हैव ए मेन फंक्शन। जब भी हम सी प्रोग्राम को लिखते हैं तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट मेन को फाइंड करता है। जैसे ये वाइड मेन है, सबसे पहले वो इस लाइन पर आएगा, इससे फिर अपना आगे प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, मेन को आप एज ए वेरिएबल या किसी और डिफाइन में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी हमारे पास बॉडी। बॉडी क्या होती है? बॉडी ऑफ द फंक्शन इज़ ए सी प्रोग्राम रेफर टू द ऑपरेशन डेट आर परफॉर्म इन द फंक्शन। इट कैन बी एनी थिंग लाइक मैनिपुलेशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, प्रिंटिंग एंड एड्स। जो सी प्रोग्राम के अंदर जो हमें फंक्शन ऑपरेट करना होता है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखे जाएंगे उसको हम बॉडी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। ये सी का फर्स्ट प्रोग्राम है। ये जैसा कि देख रहे हैं आप, फर्स्ट लाइन इसकी हैश एंड क्रूड है, REG51.h। ये इसकी हेडर फाइल है। इसको हम हेडर फाइल हैश एंड क्रूड के साथ हमने ये एंगुलर ब्रैकेट में स्टैंडर्ड हेडर फाइल है हमने का इसको हमने पाथ दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास वाइड है, नोथिंग। ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, मेन और वाइड ये नोथिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट का, जिसको जिसका नाम हमने जेड रखा है। जेड के अंदर हमने जीरो वैल्यू अपलोड की है और उसको हमने P1 के ऊपर लोड कर दिया। ये सेमी कॉलम है जिससे हम इसकी कमांड को टर्मिनेट करते हैं। अगर आप सेमी कॉलम यूज़ करके कमांड को टर्मिनेट नहीं करेंगे तो आपको कंपाइलर आपको एरर दे देगा। मुख्तलिफ कंपाइलर में सेमी कॉलम या कोमा या कुछ भी चीज़ें यूज़ होती हैं, डिपेंड करता है आपके कंपाइलर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ये इसकी बॉडी है, यहाँ से लेके इधर तक ये सी प्रोग्रामिंग की बॉडी है। ये सी का फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसा इस तरह हम प्रोग्राम लिखेंगे सी के अंदर जी। नेक्स्ट टाइम हमारे पास एंड हो गया। अगले वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।